सुप्रभात दोस्तों, चक दे नॉलेज चैनल पर आपका स्वागत है। दिस इज इंटरव्यू चैप्टर टू, और इंटरव्यू चैप्टर टू पहले भी लॉन्च हो चुका है, लेकिन वो इंग्लिश में था, इस बार हिंदी में। शुरुआत करते हैं। पहले चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा? कासा पढ़ा, कासा बैंकों के लिए क्यों जरूरी है, बचत खाता, करेंट खाता, उस पर क्या ब्याज लगता है, बचत खाते पर जो ब्याज होता है वो कैसे कैलकुलेट होता है, पासबुक एंट्रीज क्या होती हैं, चेकबुक कैसे इशू की जाती है, एटीएम क्या होता है, ये हमने पढ़ा। अभी शुरुआत करते हैं इंटरव्यू चैप्टर टू की। पहला क्वेश्चन इंटरव्यू पैनल का, ये दोनों ही कार्ड्स के बीच, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के बीच क्या डिफरेंस है? दोस्तों, डेबिट कार्ड के केस में क्या हो रहा है कि आप अपने खुद के खाते से, खुद के खाते में बचत खाता भी हो सकता है, चालू खाता भी हो सकता है, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट से पैसा विड्रॉ करते हैं। अगर आप अपने खुद के खाते से पैसा विड्रॉ कर रहे हैं तो आप कोई भी बैंक को ब्याज नहीं देते हैं। आप कितना विड्रॉल कर सकते हैं? जितना भी आपके खाते में बैलेंस है उतना आप विड्रॉल कर सकते हैं, ओके। बट क्रेडिट कार्ड में क्या होता है? क्रेडिट कार्ड में आप बैंक से उधार लेते हैं, जो आपको बैंक को बाद में वापस करना होता है, क्योंकि आप उधार ले रहे हैं तो आपको ब्याज देना होगा। आप कितना विड्रॉल कर सकते हैं? जो भी आपकी क्रेडिट कार्ड लिमिट है, ओके। आप इसे पढ़िए एक बार, ठीक है? तो मेन डिफरेंसेस क्या हुए? पहला, डेबिट कार्ड में आप खुद के पैसे से विड्रॉल, क्रेडिट कार्ड में बैंक का पैसा विड्रॉल। डेबिट कार्ड में ब्याज नहीं देना, क्रेडिट कार्ड में ब्याज देना। डेबिट कार्ड में मैक्सिमम विड्रॉल बैलेंस के बराबर, क्रेडिट कार्ड में आपकी क्रेडिट कार्ड लिमिट के बराबर। बैंकों को क्या फायदा है डेबिट कार्ड से? तो बैंकों को फायदा, पहला, फीस का। जब भी आप पॉइंट ऑफ सेल POS पे स्वाइप करेंगे कार्ड को या ATM पे करेंगे, फीस कटती है। उस फीस का पूरा हिस्सा बैंक को नहीं जाता, बाकी मास्टर वीजा कंपनियां उनको भी जाता है, कुछ एक्सपेंसेस भी होते हैं, लेकिन बैंक को एक पार्ट जाता है फीस का, तो बैंक का वो फायदा है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन, तो आप जब बैंक का ATM यूज करेंगे, सही से चलेगा तो बैंक के साथ रहेंगे। लेस ट्रांजेक्शन कॉस्ट, जब आप ब्रांच में जाके निकालेंगे तो ब्रांच के बहुत सारे खर्चे होते हैं, स्टाफ पर खर्चा करना पड़ता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा खर्च करना पड़ता है, लाइट, बिजली, पानी, स्टेशनरी, काफ़ी खर्चे होते हैं, लेकिन ATM से ये ट्रांजेक्शन कॉस्ट कम पड़ता है बैंक को। बेनिफिट्स फॉर कस्टमर्स, कस्टमर्स को क्या फ़ायदा है डेबिट कार्ड से? इमीडिएट विड्रॉल, मतलब आप तुरंत पैसा निकाल सकते हैं। उससे क्या होता है? टाइम सेविंग होती है। टाइम सेविंग मीन्स अगर आप ब्रांच जाएंगे, ब्रांच दूर होती है मोस्टली, तो आपको ज़्यादा टाइम लगता है वहाँ जाने में, ATM पास में ही मिल जाता है, आप किसी भी बैंक के ATM से विड्रॉल कर सकते हैं, आपका टाइम बचता है दोस्तों। एनी वेयर फ्रॉम एनी ATM, पहले ही हमने आपको बताया, लेकिन इससे क्या हो रहा है कि कॉस्ट भी बच रही है। अगर आप किसी दूर की ब्रांच में जाएंगे तो आपको ट्रांसपोर्टेशन पर खर्चा होना हो, तो यू कैन से कॉस्ट सेविंग आल्सो। सो यू जस्ट मेंशन, आपको क्या करना है? आपको इंटरव्यू पैनल को बोलना है टाइम सेविंग, कॉस्ट सेविंग, सेफ्टी। जब आप ये वर्ड्स यूज करेंगे तो इंटरव्यू पैनल आपसे पूछेगा कि कैसे टाइम सेविंग, कैसे कॉस्ट सेविंग, कैसे सेफ्टी। फिर आप ये जो लेफ्ट पे लिखे हुए आंसर है यानी कि वो आप जवाब में दीजिए। जैसे नो नीड टू कीप कैश, आप कैश कम रख रहे हैं तो सेफ्टी हो रहा है, ऑनलाइन पेमेंट्स कर सकते हैं आप। हायर इंटरेस्ट अर्निंग, दोस्तों मैं इस पॉइंट को एक एज ए पिलर ये कह सकते हैं कि ये मजबूत पॉइंट है आपका। ये पॉइंट अगर आपने बोल दिया तो ये बहुत ही अच्छा होगा आपके मार्क्स इंक्रीज करने के लिए, इंटरव्यू पैनल के लिए। हायर इंटरेस्ट अर्निंग, जब आप ये पॉइंट बोलेंगे, इंटरव्यू पैनल आपसे 100% पूछेगा कि कैसे हायर इंटरेस्ट अर्निंग, कैसे ज्यादा ब्याज मिल जाएगा डेबिट कार्ड से, तब आपको क्या कहना है? सपोज करो आप घूमने जा रहे हैं, आपका सोचा है आपने कि मुझे 1 लाख रुपए खर्चा होगा। अगर आप डेबिट कार्ड नहीं है आपके पास, आप क्या करेंगे? 1 लाख रुपए आप अपने सेविंग अकाउंट से एकदम से निकालेंगे और ले जाएंगे। उसी दिन से जब आपने विड्रॉल किया, उस दिन से आपके खाते में उस 1 लाख रुपए पे ब्याज मिलना आपको बंद हो चुका है। लेकिन अगर आपके पास ATM होगा तो आप विड्रॉल करके 1 लाख रुपया नहीं ले जाएंगे। सपोज करो पहले दिन 5,000 खर्च करेंगे, फिर 10,000 करेंगे, फिर 5,000 करेंगे। जब भी आपको नीड होगी, स्टेप बाय आप खर्चा करेंगे, बाकी का पैसा आपके बैंक खाते में बना रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, पहले दिन आपने 5,000 खर्च किया तो आपका 95,000 बैंक के पास था, तो उस 95,000 पे आपको ब्याज मिला है। तो हम कह सकते हैं कि डेबिट कार्ड से हमें ये फायदा है कि हम हायर इंटरेस्ट अर्न करते हैं अपने बचत खाते पर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थैंक यू। नेक्स्ट,
डिसएडवांटेज, किसी भी चीज़ का नुकसान, फायदा, फायदा होगा तो नुकसान भी होगा, सिंपल सी बात है दोस्तों। नो ग्रेस पीरियड, नो ग्रेस पीरियड ये मैंने इंटरलिंक किया है क्रेडिट कार्ड से। क्रेडिट कार्ड में क्या है, आपको ग्रेस पीरियड मिलता है। ग्रेस पीरियड मीन्स कुछ समय बाद पैसा आपको वापस करना होता है, लेकिन डेबिट कार्ड में क्या है, आपका खाता तुरंत ही डेबिट हो जाता है। तो डेबिट कार्ड की किस पे आपको ग्रेस पीरियड नहीं मिल रहा। पॉइंट में उस तरह से क्रिएट किए गए हैं जिससे कि इंटू पैनल को आपके जवाब पसंद आए। बैंक फीस, ये तो पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं, आप बैंक फीस दे रहे हो तो आपको घाटा है। बेनिफिट्स फॉर कस्टमर्स फ्रॉम द क्रेडिट कार्ड, शुरुआत के पॉइंट वही है, बचत होती है टाइम की, कॉस्ट की, सेफ्टी है, ऑनलाइन पेमेंट्स आप कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट ग्रेस पीरियड, आप जरूर बोलिए क्रेडिट कार्ड के केस में, जैसे पैसा आपने इस महीने खर्च किया तो आपको वो अगले महीने चुकाना है, तो आपको एक ग्रेस पीरियड मिल रहा है, आपको टाइम मिल रहा है उस पैसे को चुकाने का, और यही क्रेडिट कार्ड का मेन फायदा है। डिसएडवांटेज, क्रेडिट कार्ड के भी अपने घाटे हैं, क्या घाटे में नुकसान, डिसएडवांटेज। पहला बात, बैंक आपको हायर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। एक जो ग्रेस पीरियड के बाद जिस दिन में आपको पैसा चुकाना होता है, अगर आपने उस टाइम पर पैसा अदा नहीं किया यानी कि नहीं चुकाया, तो बैंक क्या करता है, आपको इंटरेस्ट लगाता है उस पैसे पे, और जो इंटरेस्ट का रेट होता है वो हायर होता है। तो बैंक को फायदा, आपको नुकसान। आपको मीन्स यहाँ आप एज ए कस्टमर है, लेकिन जब आप स्टाफ होंगे तो वो आपका फायदा होगा। आपका मीन्स बैंक का फायदा मीन्स आपका फायदा, अगर आप एम्प्लॉय हैं तो, हालांकि आपको केवल सैलरी ही मिलेगी। एनीवे दिस बात जोक ओनली, डोंट वरी। ओके, फीस, जैसे कि एटीएम में फीस अर्निंग होती है, वैसे ही क्रेडिट कार्ड के केस में भी बैंक को अर्निंग होती है फीस की, और आप फीस पे कर रहे हैं तो आपका वो घाटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्टरनेट डिलीवरी चैनल। अल्टरनेट डिलीवरी मीन्स जब भी आप ब्रांच नहीं जा रहे हैं और जो ब्रांच के काम है वो आप कहीं से भी कर ले रहे हैं, किसी भी चीज़ से कर सकते हैं, बैंकिंग सुविधा आपको ले रहे हैं, वो सब अल्टरनेट डिलीवरी चैनल। अल्टरनेट मीन्स एक अल्टरनेट, बैंक का अल्टरनेट। तो एटीएम से भी वही काम करते हैं आप, ऑनलाइन बैंकिंग से भी बैंकिंग करते हैं, मोबाइल बैंकिंग से, टेली बैंकिंग से, ये सारे आपके अल्टरनेट डिलीवरी चैनल हैं। केवाईसी, केवाईसी क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। केवाईसी मतलब नो योर कस्टमर। नो योर कस्टमर मतलब अपने ग्राहक को जानिए। जब भी कोई बैंक के पास खाता खुलाने जाता है तो बैंक सबसे पहले दोस्तों आपसे क्या मांगता है, आपका आईडी प्रूफ, आपका एड्रेस प्रूफ, यही केवाईसी है दोस्तों, यही केवाईसी है। तो आपकी जो आइडेंटिटी और एड्रेस का प्रूफ बैंक लेता है वो केवाईसी है। केवल बैंक के लिए जरूरी नहीं है, सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की जरूरत है केवाईसी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम इसको बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये था हमारा इंटरव्यू चैप्टर टू। एक्चुअली क्या है कि सारे वीडियोज पहले इंग्लिश में बनाए गए थे, लेकिन दोस्तों ने कहा कि आप हिंदी में भी बनाइए, तो मैंने कोशिश की है इसको हिंदी में बनाने की। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए तो बस निवेदन है आपसे कि आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इंजॉय कीजिए। आपके अपने चैनल पर हम फिर से हाजिर होंगे। बाय बाय, चैप्टर।